विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। प्लीज पटाखे मत फोड़ो, बस ऐसे धमाके करो। ये बम्बों की पावर देखो, जलेंगे यहाँ पे, आवाज यहाँ से आएगी। पूरा चौक धुआ धुआ कर दे लो। पटाखे बैन होने चाहिए, पटाखे बैन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। और जो बोलते पोल्यूशन हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, पोल्यूशन तो किसी और कारण से होता है। आजकल चोर बहुत भरे हैं दुनिया। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। काफी हैवी खर्चा हो गया आज, 60,000 का बिल आ गया पूरा चौक धुआ धुआ हो गया। देखो ये हमने नहीं किया। अच्छी लगी मुझे कि आपने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, मतलब चटनी के साथ आप रोटी खा रहे हो। Hey guys, good morning. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। तो विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिठाई खा लो। ये तो खाली हो गई, ये वाली खा लो। पहले ही खा ली ना दिवाली। अच्छा तूने पहले ही खा ली, कोई बात नहीं। हैप्पी होली, सॉरी बोला, हैप्पी दिवाली तेरे को। हैप्पी दिवाली सबको। मिठाई तो खिला पहले, काजू कतली हो गई, पहले दीपू को खिला। दीपू बोल रहा है इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। अच्छा बस क्या आपकी खा ली आपने? झूठ। सबके दिखाने के लिए। क्या कहना चाहती है? एक एक डब्बा खाता है बस। लाओ अभी। ये सब नहीं चलेगा ठीक है। क्या कौन सी रसबेरी? वो वाइट रसगुल्ले। क्या कहना चाहता दीपू सबको दीपावली आज? मैं तो भाई किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, जो विश कर रहा है उसको कह दे रहा हूं। सेम टू यू भी। आपकी तरफ से सबको सेम टू यू। और खुश रहो, खुश रहो। अच्छा मिठाई देने, चलो ठीक है, सही मिलवाएंगे आपको। हैप्पी दिवाली काली, कालू, सफेदा, सफेदा बूढ़ा हो गया, ये भी बूढ़े हो रहे हैं। तेरी सफाई नहीं हुई सुबह से? सफाई हो चुकी है, थोड़े बर्तन रह गए। दस बार के बर्तन है। कुछ की होंगे 10 बार के तो। कुछ की क्या करती है, कुछ काम करती है? हाँ करती है। गंदा गंदा गंदगी करने के अलावा? हाँ करती है काम। क्या? सब्जी बिराती है हमारे साथ और कपड़े धो लेती है अपने पानी में। हाँ चल बढ़िया बढ़िया। बर्तन इधर से उधर कर लेती है। गाइस हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी, अपने हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से घर की तरफ। सिर्फ यही धन्नो लेने आए थे बस हम अपने। अभी हम लोग हैं दिल्ली में, 2 सेकंड बाद पहुंच जाएंगे नोएडा में। इतना ही फर्क है बस मयूर विहार फेज 3 और नोएडा में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 16 और गाड़ी का टायर चेंज कराएंगे, जैसे कल गए थे टायर चेंज करवाने, कल वापस आ गए थे ऐसे। आज भैया भी अपने साथ है। हैप्पी दिवाली भैया। सेम टू यू। पटाखे फोड़े? नहीं यार अभी का सुबह फोड़े थे 2-4, अब फोड़े। या फिर आपने पटाखे फोड़ दिए? आज शाम को ना। अच्छा यूवी भी गन चलाएगा? वैसे ये बताओ दिवाली होनी चाहिए पटाखों वाली या बिना पटाखों वाली? पटाखों वाली दिवाली, बिना पटाखों क्या मतलब? बिना पटाखे से लगता है इंसान हो गया। और क्या, दिवाली पटाखों से शुरू होती है, जश्न है भाई, मनाओ। और क्या, राम जी आए थे अपने लौट के अयोध्या। हाँ लाइटनिंग और पटाखे, जब तक होने तो मजा नहीं आएगा। आपका क्या ख्याल है दीपू, पटाखे होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए भाई, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, पूरा चौक धुआं धुआं कर दे लो। तो गाइस टायर लगा के अभी हम लोग दूसरी गाड़ी में वापस आ गए। पहले डिजायर में थे, अभी ब्रेजा में हैं, अभी दूसरी गाड़ी एक बार आ रही है यानी कि सफारी। तो इसमें और सफारी में हम लोग लगा रहे हैं डैशबोर्ड। क्या लगा रहे हैं? डैश कैमरा। डैश कैमरा सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए।
सेफ्टी पर्पस के लिए। आजकल चोर बहुत भरे हैं दुनिया में। दुनिया में ये तो है। हाँ लोग मतलब वो कर देते हैं ना उसमें, ये मतलब जैसे कहीं इनकेस किसी से हमारी गाड़ी टच हो गई, कुछ हो गया तो प्रूफ रहे हमारे पास, प्रूफ होना चाहिए। लोग हमें ही उल्लू बना देते हैं कि तुमने तुमने ही मारी है, गलती उनकी होती है तभी भी। और खासकर तब होता है जब किसी लड़की वड़की के सीन होता है, टकरा जाए गाड़ी ये वगैरह, है ना। हाँ उस समय ज्यादा होता है, उस समय ज्यादा सेफ्टी पर्पज के लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो बस वही लगेगा फ्रंट और बैक दोनों का। तो अभी मयूर विहार में हम लोग, अभी यहाँ से जस्ट एक बोर्ड आएगा, अभी वहाँ से सीधा हम लोग पहुँच जाएंगे। मतलब मयूर विहार आता है दिल्ली में और वहाँ से एक बोर्ड के बाद दिखाऊंगा, अगर यहाँ से दिखता है तो हम लोग पहुँच जाएंगे सीधा नोएडा में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ये देखो लास्ट पेट्रोल पम्प नोएडा से सस्ता पेट्रोल लिखा हुआ है यहाँ पे दिल्ली में, बट है दोनों का रेट सेम ही। ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है उस साइड से वेलकम टू दिल्ली लिखा हुआ है, अब ये आपको दिखाई देगा। देखो पहुँच गए हम लोग नोएडा में, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। ये खंभा गया, पहुँच गया हम लोग नोएडा में, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। बस ये फर्क था दोनों में। अरे इधर आओ, बम लगाएंगे। भूकंप आया तो क्रेन लगी थी ना उसपे, वो हिल रहा था। ये बम्बों की पावर देखो, जलेंगे यहाँ पे, आवाज यहाँ से आएगी। ये तो फंसी था, जलेंगे यहाँ पे, आवाज गूंजेगी यहाँ पे इस बिल्डिंग में अगर अच्छा रहा तो। आवाज यहाँ से आ रही है, गूंज रही है, अरे फंसी बम्बे सारे। ये पुराना स्पीकर है ना, ये नया कितने का है? 15,000। दिवाली मना ली ना, तो अब इनको फेंक देना है, संभाल के रखना है। ये तो भी अच्छे हैं, काम के काम आएंगे, दूसरी गाड़ी के काम आएंगे ना। काफ़ी अच्छे स्पीकर है, बट ये नए ले लिए, JBL। तो ये दूसरी गाड़ी थी हमारी, ये दूसरी है। तो गाइज हम लोगों ने ये लगवा लिया डैश कैम क्यूबो का, जो कि रेट वगैरह तो सर दीपू बताएंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। ये देखो ये 24 घंटे चलता रहेगा, क्योंकि इसमें हमने ऐसी वायर लगाई है जो 24 आवर कनेक्टेड रहेगा, स्टैंड बाई मोड पे रहेगा। जैसे ही कोई आ गया और पीछे दोनों चीज़ें आएंगी, वैसे ही ये उसको कैप्चर कर लेगा। पीछे की साइड वो रहा, देखो आगे की साइड ये रहा। कि दीपू क्या क्या किया आज काम? आज बहुत काम किया, बहुत काम हो गया गाड़ी में ना, जो काफ़ी दिन से आप सोच रहे थे। भैया ने भी काफ़ी काम करवा दिया। क्या क्या हुआ? एक तो ये था डैश कैम था, ये लिया, और यार डैम्पिंग शीट्स लगवाई, डैम्पिंग शीट्स आगे और पीछे दोनों जगह, दोनों मतलब चारों चारों गेटों में, दरवाजों पे और उस पे क्या बोलते हैं आपका बूट पे पीछे डिक्की पे। अच्छा, और स्पीकर लगाए, और भाई भैया ने क्या किया? हॉर्न लगाया जी, जो ना हॉर्न लगवाया और ग्लास पे वो लगवाई, फिल्म होती है ना एक, हाँ शेड के लिए, हाँ शेड के लिए, मतलब धूप धूप से बचने के लिए वो वाली वो लगवाई। तो काफी हैवी खर्चा हो गया जना। हाँ 60,000 का बिल आ गया था टोटल, दोनों का मिला के। अच्छा चलो ठीक है, जिसमें इसका 40,000 था, उनका 20,000 के आसपास, 19-20 के आसपास उनका था। तो स्पीकर लगाया, एक बार सुन ले गाने। हाँ बिल्कुल, चलाओ ना, मैं तो वेट कर रहा हूँ। चलाओ चलाओ, पहाड़ी गाने चलाओ, जो भी चलाना, पहाड़ी हिंदी जो भी चलाना है। अरे कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ी चलाते, ये तो मस्ट है आजकल के टाइम पे, बाकी चीजें हो ना हो, ये आजकल के टाइम पे मस्ट है, स्पेशली दिल्ली और नोएडा। आवाज
तो अच्छी हुई है, ज्यादा नहीं सुना सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। अब सिद्धू मूसे के गाने चला के देखते हैं कैसी आवाज आ रही है। तो गाइस पहुंच गए हम लोग घर पे, देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, पकौड़े बन रहे हैं। और क्या बन रहा है गाइस, क्या दे रही है वैसे? अच्छा पकौड़े खिला तो उसी पेट हो जाएगा हमारा। तो पटाखे नहीं फोड़ेगी तू? फोड़ेगी कुछ की फोड़ेगी, फोड़ती हो, डरती नहीं है? डरती तो अब देखते हैं, छोटी थी। कब? पिछले साल। पिछले साल, इस साल बहुत बड़ी हो गई हो मेरे से भी। तो गाइस हमारी इशू तैयार हो गई, इशू डी अब दिए जलाएगी। हाँ बोलो, जलाएगी? हाँ आज बहुत सारे दिए, रंगोली बना के आई, आपको दिखाता हूँ हल्का। उसने बनाई है, हाथ काले कर दिए थे इसने अपने, अभी भी काले ही है। चलो नीचे पूजा हो रही है, नीचे पूजा हो रही है, पूजा दिखाता हूँ आपको। लाडू तैयार हो गया हमारी। ये रंगोली किसने बनाई है? ये रंगोली लाडू ने बना, अरे झूलाल दे वो इधर से आवे तो यो लाडू ने बनाई है। अच्छा। कहां बनाई है? लाडू ने बनाई है, वो अंदर बनाई थी, वो कहां गई? वो तो पैर मार दिया उसने। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये कहां है भाई? चुन्नी, चुन्नी कहां है? चुन्नी पहनो, चुन्नी पहनो, चुन्नी पहनो, चुन्नी पहनो। ये ओए ओए कुछ लगा दिया। ओए होए होए होए, हैप्पी दिवाली ईशु, हैप्पी दिवाली। अरे ये मेरे को नहीं चाहिए, हैप्पी दिवाली। हाय कर दो, हाय, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस, इधर देख के करो। हैप्पी दिवाली आपको। कैसे हो आप? बढ़िया। यीशु ने यहाँ पे रंगोली बनाई थी इस साइड पे और पूरी ख़राब कर दी इस साइड पे। अब आ गए हमारे पटाखे, कारतूस वाले। ये देखो मसाला, मसाला भर के अब फोड़ेंगे। चलो 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 पटाखे फोड़ो, फोड़ो ये। अब एक मैं ट्राई करता हूँ सियावर रामचंद्र की। ईशु आज चक्री 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 खेलेंगे, आजा इधर आओ। चक्री ईशु चक्री, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया भाई। बुलेट बम है ये, तो किसको दे रहे हो? हां तो ये तो रहे, इसमें तो बहन दुनिया भर गई। ये क्या है? ये तो यीशु के लिए है। लगा यो खराब है, यीशु की बंदूक के लिए है ये। यीशु ये पटाखे बहन थे बल। हैप्पी दिवाली लाडू। यू आर वेरी हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ो, बस ऐसे धमाके करो। हे हे, पूरा चौक धुआं धुआं हो गया। देखो ये हमने नहीं किया, बाकी लोगों ने किया भाई। ये देखो पूरा पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, आसमान की तरफ देखो तो दिख रहा होगा पोल्यूशन ही पोल्यूशन, बहुत पटाखे फूट रहे हैं, पूरा पोल्यूशन है, ध्यान से देखो पूरा पोल्यूशन है। क्या लगता है तेरे को कि पटाखे फूटने चाहिए दिवाली के दिन या बैन होने चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल, बड़े नहीं, बड़े नहीं, मतलब
बुलेट बम तक फूटने चाहिए, उससे ज्यादा बड़े नहीं, ठीक है? हैप्पी दिवाली। कितना सीधा भोजन करते हैं। कैसे ससुर जी आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जिंदा। एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, मतलब चटनी के साथ आप रोटी खा रहे हो, मतलब कि बहुत सारे पकवान बने, ऐसा क्यों? मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है चटनी। अच्छा, घर की बनाई हुई चटनी? घर की बनाई हुई। और साधारण मतलब वो मेरी बनाती रहती है। अच्छा, मेरे ससुर जी को पसंद है, रोज रोज कुछ ना कुछ, कभी मूंगफली की, कभी चने की, कभी भांग की, कभी टमाटर की, मतलब चलता रहता है। बस इतना साधारण खाना खाते हो आप डेली? चलो बढ़िया है, बढ़िया। अब रोटी में घी भी नहीं लगाया आपने? ना ना, घी भी नहीं खाता मैं। डाइटिंग भी हो मतलब? डाइटिंग नहीं है, घी नहीं खाता, ज्यादा नहीं खाता, कभी कभी चावल के साथ घी खा लेता हूँ। अच्छा, बस मतलब बहुत कम? बहुत कम। अच्छा, चलो बढ़िया है। वैसे मोटापा ज्यादा है। वो तो हम सबका ही ज्यादा है, सबका ज्यादा है, और जिसका मोटापा ना दिखे वो कैसे पता चलेगा? खाते पीते परिवार के। और मैं ये पूछ रहा था कि दीपावली के दिन पटाखे बैन होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं होने चाहिए बाबू, पटाखे बैन होने चाहिए? पटाखे बैन नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों, कोई रीजन आपकी आपकी तरफ से? ये जो है एक हमारा जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से जो है, मतलब शुरू से हम लोग ये मनाते हुए आए हुए हैं, तो मतलब पटाखों से कोई ये नहीं है कि एक दिन के प्रदूषण से, ऐसा कोई वो चीज नहीं है। और जो बोलते पोल्यूशन हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, पोल्यूशन तो किसी और कारण से होता है। हाँ, आज मतलब ठीक है, दिवाली के पटाखों से थोड़ी बहुत प्रदूषण होता है, पर वो एक दिन के पटाखों से कोई प्रदूषण की वो नहीं होती। सही बात है। ये तो जो कहीं पे पराली जल रही है, फिर हमारे दिल्ली में इतनी गाड़ियां चलती हैं, तो ये सब प्रदूषण उसकी वजह से होता है। धूल मिट्टी ज्यादा है, पेड़ पौधे कम है, उससे प्रदूषण होता है। लेकिन लोग दोष दिवाली दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत गलत है, वो तो लोगों का, ये तो सब राजनीति है। हाँ, राजनीति, ये राजनीति पे चले जाते हैं। हाँ, तो मतलब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बैन नहीं होना, बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए। तो आप हर साल की तरह ऐसे धुआं धुआं कर दोगे? बिल्कुल, एकदम बिंदास जो है दिवाली मननी चाहिए, डर के नहीं मनानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिंदास होना चाहिए और खूब नाचो गाओ, मस्त होकर के दिवाली मनाओ, खूब पटाखे बजाओ, खूब पटाखे बजाओ। चलो ठीक है, आपका धन्यवाद, हैप्पी दिवाली। और जो आपको देखते हैं वीडियो में, आप उनको क्या कहना चाहते हो, अपने दर्शकों को? तो सबको यही कहते हैं कि भगवान सबको खुश रखे, मस्त रखे, और जितना हो सके खुशी बांटो। सही बात है, जितना किसी का भला हो सकता है उतना भला करने की कोशिश करो। ये नहीं कि मैं छोटा सा यार है तो छोटी सी भेंट है किसी को, वो बहुत बड़ी चीज है। ये देखो हमारे बाहर ये जो कुत्ते थे जो है, देखो हमारे सोफे में सो रखे वहाँ ऊपर, बिल्कुल अभी दिखा रहा हूं, उनको जो है मतलब बड़ा डर लगता है पटाखों से, ज्यादा तेज आवाज से कुत्ते बहुत डरते हैं। हाँ, तो बाहर के कुत्ते हैं वो यहीं रहते हैं बेचारे, हमारे घर के पास अब वो रहते हैं, तो अब वो डर के मारे कि मैं कहाँ जाऊँ। हमने कहा भाई ऊपर सोफा पड़ा हुआ, उसमें सो जाओ। ये तो बहुत अच्छा किया। इसलिए जो है प्यार बांटते चलो, जिंदगी भेदभाव मत करो, बस भेदभाव मत करो, मस्त रहो, खुश रहो, हाँ खुश रहो। चलो ठीक है, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली, हमेशा ऐसी हंसते रहो आप, सब लोग सबका कल्याण करे भगवान। ससुर जी देखो इन्हीं की बात करते, ये 15-16 साल स्ट्रीट डॉग है, 15-16 साल का स्ट्रीट डॉग, देखो सोफे में सोता है आराम से। देखो इस सोफे में दादी बैठती है, इस सोफे में ससुर जी बैठते हैं, सासुमा बैठती है, अलका बैठती है, दीपक बैठते हैं, सब बैठते हैं। देखो आज आराम से सो रहा है, इसलिए बोलते हैं प्यार बांटो, बहुत बड़ी बात है। घर के अंदर किसी स्ट्रीट डॉग को बुलाना, वो भी अपने सोफे में बैठाना, वो भी साफ सोफे में, बहुत बड़ी बात है। सफेद का खाना खा रहा है, चल 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 चले चले जा। सफेदा तेरा खाना आ गया। दादी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बाबू, मुबारक हो, देखो भाई खुश रहे तो हमेशा।
क्या बोलना चाहते हो मुझे क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहती हूँ आज भी बढ़ जाना। अच्छा गाइस, हम लोगों ने ढोल बजा लिए और काफी दिवाली एंजॉय अच्छी तरह कर ली, बहुत मजा आ गया, मौज मस्ती कर ली। कैसी लगी ईशु, कैसी लगी? ये पीछे मत गिर जाना भाई। जेठालाल इधर आ, बैठो 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 बैठो।